कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। अथ कार्तिक महात्म्य भाषा, 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्रादि देवता भयभीत होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन की वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुण पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूं और भक्त हूं तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु गरुण पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो वरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुण पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शरंग नामक धनुष उठाकर बड़ी जोर से टंकोर किया, त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया, लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से क्षत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुण के मस्तक पर दे मारी। गरुण पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ में क्रोध से उस दैत्य ने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शरंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना प्रारंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मदोन्मत हाथी के समान उसे, यानी गदा की मार को, फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे, वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले,
हिरण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। 12वें दिन की कथा पूर्ण हुई। नारायण की भक्ति रस के लिए सब्सक्राइब करें आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौ दान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।